And on to our main story now. Days after the Organization of Islamic Cooperation expressed concern over the alleged incidents of Islamophobia in India, Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi has said Muslims are prosperous in the country and those trying to vitiate the atmosphere cannot be their friends. Naqvi said that India is a haven. He's a haven for Muslims. The Organization of Islamic Cooperation on Sunday had urged India to take urgent steps to protect the rights of minority Muslim community and stop the incidents of Islamophobia in the country. Mukhtar Abbas Naqvi now joins us live. Mr. Naqvi, thank you. You have called India as a haven for Muslims in response to criticism leveled by OIC. Do you see that OIC has a vested interest in maligning India here? Okay, first of all, I wanted to clarify that the secularism and harmony is for India, for Indians, and for Shri Narendra Modi ji is not political fashion. It's a perfect passion for us, for every Indians, for India, and Prime Minister Narendra Modi sahab. Development with dignity, development without discrimination ki policy ke saath Narendra Modi ji ne pichle 5 saalon kaam kiya aur aage bhi kar rahe hain. All right. Point taken, Mr. Naqvi. But it appears that OIC's comments have come in the wake of the Tablighi issue here and the reactions to the incident which has evoked some in some circles. Isn't it true that some anti-Muslim comments while criticizing the Markaz event, even by your own party men, might have started this entire process? देखें हम दूसरों पे क्या कहें. हमारे देश में भी बहुत सी बोगस बैशिंग ब्रिगेड है और ये बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन का एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो है वो कंपेन चला रखी है. और ऐसे सरकमस्टेंसेज में, ऐसे संकट के समय में, जब पूरा देश का हर हिस्सा एकजुट होकर के कोरोना के कहर से, कोरोना की त्रासदी से लड़ रहा हो, ऐसे हालात में जो मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन चल रही है वो ठीक नहीं है. जहाँ तक सवाल है तबलीग का, निश्चित तौर से उनका जो ये क्राइम है वो क्राइम किसी भी तौर से दुनिया की कोई भी देश माफ नहीं कर सकता. उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसको जस्टिफाई करने की वही नहीं, उनके कुछ चेले चापड़ भी कोशिश करते फिर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब उन्होंने जो करा वो ठीक किया. उससे जो है वो हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत गुस्से में है, दुखी है कि उसके ऊपर जो है वो एक संस्था के इस अपराध का गुनाह का जो है वो बोझ जो है वो उसके ऊपर डालने की कोशिश हो रही है. जबकि हम किसी एक संस्था के गुनाह, एक संस्था के इस तरह की हरकतों को हम पूरे कौम की हरकत या पूरे कौम के अपराध के रूप में नहीं देखते और ना देखना चाहिए. ठीक है, ओके. Naqvi जी, यू आर नॉट अ मैन हु मिंसेस हिज वर्ड्स, आई एम श्योर. बताइए कौन है ये तबलीगियों के चेले चपाटे जिनको आप अभी रेफर कर रहे थे? यू हैव पुट इट, हु इज डूइंग दिस व्हाट यू जस्ट कॉल्ड प्री प्लान्ड अटेम्प्ट्स एट मलाइनिंग इंडिया? बताइए कौन है, उनका नाम लीजिए. आपको अंदाजा होगा, आप साइट्स पे चले जाइए, कितनी गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा रही है. जबकि देश में पूरी मजबूती के साथ हर हिस्सा, हर वर्ग, अच्छा अभी आप देखिए 8 और 9 अप्रैल को शबे बारात हुई, किसी ने कोई डंडा नहीं मारा, कहीं मिलिट्री नहीं लगी थी, सभी लोगों ने शबे बारात के दिन हर मुसलमान ने अपने घरों में बैठ करके इबादत की. ना तो सड़कों पे आए, ना कहीं कब्रिस्तान में गए, ना किसी धार्मिक स्थल पे गए. उसके अलावा जो है वो अभी लॉकडाउन शुरू हुआ, इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी मस्जिद में, किसी भी धार्मिक स्थल पर मुसलमान इकट्ठा नहीं हो रहे. उसके अलावा लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के चल रहे हैं, बाय एंड लार्ज सारे लोग उसका पालन कर रहे हैं. तो यहाँ पर सवाल डिस्क्रिमिनेशन का ये सारी चीजें नहीं है. अगर कुछ जो है आइसोलेटेड घटनाएं हैं तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो रही है. केवल एक जगह नहीं है, कई जगह के इस तरह के, कई इसको वर्ग के साथ, संप्रदाय के साथ, कौम के साथ जोड़कर देखना बिल्कुल कतई गलत है. और यही मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन है जिससे कि कहीं कहीं कभी लोग भ्रमित हो सकते हैं. All right, Mr. Naqvi, but not everyone at home here also agrees that India is a heaven for Muslims. We have spoken to multiple political leaders out here. There are those who come out and point out that some of the comments of your party members have actually been made about Muslims, or some refer to Delhi riots where a majority of the people who were killed
were actually Muslims. Are these indicative of a what you call heaven for Muslims, Mr. Naqvi? देखिए सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी समृद्धि के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं. उनकी सरकार एक ईमान की सरकार है, इंसाफ की सरकार है, इकबाल की सरकार है. और उसके इकबाल का नतीजा है कि आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी उनकी एक आवाज पर खड़ा हुआ है. एक चीज, कुछ लोगों को ये हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो कि एक नेता जिसके साथ पूरे देश का 130 करोड़ हिंदुस्तानी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजबूती के साथ खड़ा हो करके उनकी आवाज पर जो है वो उस युद्ध में हिस्सेदार भागीदार बन रहा है. अब कुछ लोगों को लगता है कि साहब और दुनिया के देशों में तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ कैसे हुआ जा रहा है. तो वो एक मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन, एक झूठे फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियां, एक बोगस कहानियों के आधार पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. आप ठीक है सर, आप बोल रहे हो बोगस कहानियां हैं, बट इफ द ओआईसी एंड अ फ्यू नेशंस आर रिएक्टिंग टू व्हाट यू हैव कॉल्ड बोगस स्टोरी स्पन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज विद इन द कंट्री, परहैप्स अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, देन इट मींस दैट योर गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू इंप्रेस अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. दिस इज व्हाट यू हैव कॉल्ड द ट्रूथ, एंड व्हाई इज इट दैट यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन टेलिंग द वर्ल्ड दैट यू आर राइट. देखिए देखिए, पहली बात यह है कि जब कहीं पर भी इस तरह के वायलेंस होता है तो इंसान नहीं मरता बल्कि इंसानियत मरती है. उसमें जो है वो हिंदू और मुसलमानों की लाशों की गिनती हम नहीं करते. हम जो है वो इंसान मरता है, निश्चित तौर से वो दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और जो भी इस गुनाह का गुनाहगार है उसको सजा भी दी जा रही है और मिलेगी भी. लेकिन आप इसके साथ ही साथ अगर ये देखें कि मुल्क में तमाम तरह के इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो कार्रवाई करती हैं. कार्रवाई करने के बाद जो है वो इन 5 सालों में देश में एक भी कम्युनल राइट देश के हिस्से में कहीं नहीं हुआ, जबकि 5000 से ज्यादा बड़े कम्युनल राइट का इतिहास कांग्रेस पार्टी के समय है. कांग्रेस से दिल्ली को मत भूलिए, दिल्ली में जो हुआ था उसको मत भूलिए. भागलपुर से लेकर के नहीं, वो दिल्ली में हुआ, गलत हुआ, दिल्ली में हुआ, ये मत कहिए नहीं हुआ, ये मत कहिए कि नहीं हुआ. लेकर मालेगांव तक हम आपको गिनती एक लंबी गिरा सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो इसके लिए गुनाहगार है उसको सजा मिल रही है, ताकि वो कभी इतनी हिम्मत भी ना कर सके कि इंसानियत को लहूलुहान करे. और उसमें सरकार काम कर रही है, कहीं चुपचाप नहीं बैठी है. Well, Mr. Naqvi, all said and done, despite being complicit of being a super spreader and despite an FIR pending, Mr. Saad or Maulana Saad is coming out with statements and audio tapes. Do you think that he should surrender along with his fellow tablighis? देखिए, उनको खुद भी सरेंडर करना चाहिए, उनको अपने जो संघी हैं, साथी हैं, उनके सहयोगी हैं, उनको भी कहना चाहिए कि वो जो है वो अपनी जांच कराएं. वो जिस तरह से इस वायरस को फैलाने का काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, वो कम खत्म करें. और उसकी वजह से पूरी कौम पर बहुत एक तरह से, कई तरह से सवाल लोग खड़े करते हैं. मुझे लगता है वो गलत है. ये हम हिंदुस्तान में जो है वो सैकड़ों नहीं हजारों इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें एक ये भी ऑर्गेनाइजेशन है. तो इससे ये कोई जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या इसके आधार पर उनके उनका आकलन उनके गुनाह को साथ किसी कौम को गुनाह के गुनाहगार नहीं बनाया जा सकता. इसलिए उनको सबसे पहले जो है वो अपने को सरेंडर करना चाहिए, अपने साथ जो साथ के लोग हैं उनसे कहना चाहिए कि वो अपनी जांच कराएं. जिस तरह से वो वायरस को फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध. दैट्स अ बिग हेडलाइन आउट देयर. ही सेड साद शुड सरेंडर, बट अगेन मिस्टर नकवी, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेंज. यू आर सो श्योर ऑफ हिज कंप्लिसिटी, देन व्हाई इज इट दैट यू एंड योर गवर्नमेंट डजंट गो आउट देयर एंड अरेस्ट हिम? He is making statements, he is coming out with audio tapes, there is a warrant against him which has been issued. Why not go out and arrest this man, Mr. Naqvi? देखे सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है, और सरकार की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जो जिम्मेदारी है उससे वो दूर नहीं है, और आप फिक्र मत करिए, वो जिम्मेदारी आपको दिखेगी. Mukhtar Abbas Naqvi, the Minorities Affairs Minister. Thank you for joining us here on Times Now.